चिलवाताल थाना क्षेत्र के महुआतर गांव में इंटरमीडिएट की छात्रा की गुरुवार की रात में सोते समय ज्वलनशील पदार्थ से जलाने का प्रयास किया गया। छात्रा के शोर मचाने पर परिजनों ने आनंद फानंद में छात्रा को इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले गए, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर SSP शलभ माथुर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने कहा कि लड़की के ऊपर एसिड फेंकने का मामला आया है, लेकिन जांच के बाद मिट्टी का तेल जैसे लिक्विड फेंकने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। इस संदर्भ के अंदर अज्ञात में एक 307 की FIR दर्ज कराई गई है। ये थाना चिलवाताल के अंदर सुबह सूचना मिली थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो पीड़िता है उसके ऊपर एसिड फेंका गया, जो घर वालों ने जानकारी दी थी। हालांकि मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट से अभी तक जो क्लैरिटी आई है वो ये आई है कि ये हाइड्रोकार्बन, मिट्टी का तेल, केरोसिन इत्यादि का बर्न है, एसिड बर्न नहीं है। महिला को, पीड़िता जो है, उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल के अंदर उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। हम लोग को इस घटना के अंदर जानकारी मिली है, इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं और शीघ्र इस घटना के पीछे जो व्यक्ति हैं उनको, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सक्सेसफुल की जाएगी। घर वालों से भी हम लोगों ने बातचीत करी है और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत करी है। जैसा मैंने बताया, इसके अंदर कुछ क्लूज है, जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा।